अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट लेसन ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास 4। टेक आउट पेज नंबर 29 ऑफ योर बुक। हमारा टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ मैप्स। इस चैप्टर में हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास दो किस्म के मैप्स होते हैं, एक तो मैप जो कि स्ट्रेट फॉर्म में फ्लैट होता है बिल्कुल, और एक होता है ग्लोब। दोनों में दुनिया का नक्शा होता है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ग्लोब जो है वो किस तरह से मैप से डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं कि ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब जो है ये दुनिया का एक मॉडल होता है। इट शोज़ इंटायर वर्ल्ड, इसमें हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। इट कैन बी टर्नड ऑन इट्स एक्सिस, और इसके हम इसको इसके एक्सिस से टर्न करके इसके दुनिया की जैसे डिफरेंट साइड्स हैं वैसे ही इसकी भी हैं, तो हम इसको देख सकते हैं। इसमें हम ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को भी देख सकते हैं। ग्लोब केम इनटू मैनी डिफरेंट साइजेस, इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। द डिटेल ऑफ द अर्थ डेट अ ग्लोब शोज आर क्लोजर टू द एक्चुअल डिटेल्स। ग्लोब के अंदर जो है वो दुनिया की सारी तफसीलात होती हैं कि इसके एरियाज़ कहाँ पे हैं, डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शंस के बारे में और इसके रिलेटिव शेप्स और साइज़ के बारे में। बट ग्लोब लेकिन इसके बावजूद जो ग्लोब है वो एक्चुअली डिटेल मैप नहीं होता। इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें ओशंस कहाँ पे हैं, माउंटेनियस एरियाज़ कहाँ पे हैं, बाउंड्रीज क्या हैं। और जबकि जो अगर हम इसको कंपेयर करें मैप्स के साथ, तो मैप जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैप इज़ अ फ्लैट, मैप जो है वो फ्लैट होता है। ये किसी पेज पे, किसी बोर्ड पे, किसी दीवार पे बना होता है। और देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स एंड ईच गिव डिटेल इंफॉर्मेशन। और मैप जो है ये डिफरेंट साइजेस में होता है, और इससे हमें दुनिया की जो शेप है, दुनिया के जो एरियाज़ हैं उनके बारे में डिटेल से पता चलता है, बहुत तफसील से। और तमाम चीज़ों को शो करने के लिए इसके अंदर सिंबल्स को, साइंस को यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम ये देखें कि कोई कॉन्टिनेंट है तो उसके अंदर माउंटेन्स कहाँ पे हैं, माउंटेन्स को शो किया जाएगा, बाउंड्रीज को शो किया जाएगा। अगर रोड्स हैं तो उसको शो किया जाता है। आपने इस पेज को, पेज नंबर 29 को अच्छी तरह से रीड करना है और देखना है कि ग्लोब में और मैप में क्या फ़र्क है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेसन की समझ आ गई होगी। थैंक यू।